हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप यू आर गुड। तो हमारा लाइट वाला चैप्टर चल रहा है जिसमें हम अब तक 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो ये लेक्चर हमारा पार्ट 6 है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर दी यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, और इसको अदर लैंग्वेज में भी इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव मिरर। कभी यहाँ पे एप्लीकेशन वर्ड भी यूज़ कर लेता है, जिसका मीनिंग सिंपली यही है कि क्या क्या उसके यूजेज है कॉनकेव मिरर के। देखो, जो लास्ट वाला जो वीडियो था ना हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो कॉनकेव मिरर होती है इसमें इमेज कैसे कैसे बनती है। जैसे कि यहाँ पर 2 एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे ये यहाँ पर कॉनकेव मिरर लिया, यहाँ पर लाइट रे आ रही पैरेलल और फोकस पॉइंट पे इमेज बनती है। ऐसे ही एक ये था जब अपना ऑब्जेक्ट कहाँ था, फोकस और पोल के। ये पूरा अच्छे से हमने डिस्कस कर चुके थे, अच्छे से समझ भी चुके थे। अगर आपने नहीं देखा वो पार्ट 5th वाला, तो आप पहले जाइए पार्ट 5th को देखिए। उसके लिए यहाँ पर देखो एक आई बटन मिल रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करके उस पार्ट को देख सकते हो। ठीक है, तो आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, मज़ेदार रहने वाली है। लास्ट तक देखना, कई सारे आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर होंगे। हम यहाँ पर बिल्कुल रटेंगे नहीं, जानेंगे इसके पीछे क्या क्या रीज़न होते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से जाएंगे, कॉन्सेप्ट से पूरे क्लियर करेंगे अपन। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रखेंगे अपन। जैसे कि देखो, अब होता क्या है, क्वेश्चन वगैरह क्लास में भी अधिकांश तक क्या होते हैं, बच्चे वगैरह को भी ऐसे सिखा दिया जाता है कि उसको रटा दिया जाता है, एक्चुअल में सिखा नहीं जाता है, रटा दिया जाता है कि क्वेश्चन आता है यूजेज ऑफ कौन के मिरर, बता दिया जाता है कि कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। कि देखो, याद रख लो स्टूडेंट, टॉर्च में होता है, व्हीकल हेडलाइट में होता है, डेंटिस्ट मिरर यूज़ करते हैं, सेविंग मिरर में होता है, और सोलर कुकर में होता है। बट रीज़न नहीं बताते कि इसके पीछे रीज़न क्या है, बट हम जानेंगे इसके पीछे रीज़न क्या है। तो करें अपन स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इन 2 को कवर करता हूँ कि टॉर्च और व्हीकल जो हेडलाइट होती है उसके अंदर कॉनकेव मिरर ही क्यों यूज़ करते हैं। करने में तो अपन प्लेन मिरर भी कर सकते थे, इसके अलावा कॉन्वेक्स भी कर सकते हैं, बट यही क्यों करते हैं, देखो रीज़न क्या है। हमने जब इमेज अपन बना रहे थे, फॉर्म कर रहे थे, जब हमारा जो लाइट सोर्स था, कहाँ देखो अपने एक टेबल बनाई थी, याद है आपको लास्ट वाली वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने पहली जो पोजीशन ली थी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वो हमने ली थी इन्फिनाइट पे, यानी कि अपना जो लाइट सोर्स था वो इन्फिनाइट पे था, और वहाँ से जो लाइट रे आ रही थी, जैसे सपोज करते हैं अपन यहाँ पर कोई सन है। अब सन से जब लाइट रे आएगी, ठीक है, सन से जब यहाँ पर लाइट रे आएगी तो पैरेलल आएगी, जब इन्फिनाइट पर सोर्स होगा ना तो वहाँ पर लाइट रे आएगी पैरेलल, और पैरेलल किसके आएगी, मिरर आएगी क्या, नहीं आपके आएगी नहीं, वो आती है प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आती है। और जब भी प्रिंसिपल एक्सेस के लाइट रे पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, और जहाँ ही लाइट रे इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, और वहीं पे इमेज फॉर्म होती है, वहीं इमेज बनती है। तो अब ये जो 2 इसके एप्लीकेशन है ना, वहाँ पर क्या किया जाता है, क्या ऐसा ही होता है क्या, नहीं, इसका जस्ट रिवर्स कर दिया जाता है, अपोजिट किया जाता है। देखो, जब सोर्स इन्फिनाइट पे था तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पॉइंट पे बन रही थी, बट यहाँ पे क्या करते हैं, सोर्स को इन्फिनाइट पे नहीं रखते, यहाँ पे रखते हैं फोकस पॉइंट पे। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पॉइंट पे रखता हूँ यहाँ पे सोर्स, तो यहाँ से भी लाइट रेमिट होगी, जैसे यहाँ पे इससे भी लाइट रेमिट होगी ना, इधर भी जाएगी, देखो यहाँ पे 2 दूसरा लेता हूँ मैं, यहाँ से भी लाइट रेमिट होगी, सोर्स है ये, इधर होगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे स्विच ऑन करते हो टॉर्च का, या फिर जो गाड़ी हेडलाइट होती है उसका जब आप स्विच ऑन करते हो, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ से लाइट इमिट होती है, ये लाइट में, इसको समझ लो आप फोकस पॉइंट, तो यहाँ से भी लाइट इमिट होगी। अब इमिट होने कहाँ पर जाएगी, इसका मैं देखो साइन अपोजिट कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ, तो इस साइड लाइट जाएगी, इस साइड ये इधर जा रही है, और ये इस डायरेक्शन जा रही है। और जब भी कोई लाइट रे फोकस पॉइंट से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, पैरेलल हो जाती है ना प्रिंसिपल एक्सेस के, तो यहाँ से जाके पैरेलल हो जाएगी, ये पैरेलल इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो देखो ये कहाँ जा रही है, दूर जा रही है ना, इस डायरेक्शन में, इधर दूर जा रही है, कहाँ पे, पैरेलल होके इन्फिनाइट तक जा रही है। ऐसे इसमें होगा, जैसे लाइट है यहाँ से फोकस पॉइंट से यहाँ से इमिट होती है, तो यहाँ पर कौन सा मिरर यूज़ किया अपन ने, कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर की खासियत क्या होती है कि जब भी कोई लाइट रे फोकस पॉइंट से आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, ऐसे, तो जो भी लाइट रे होगी ये इस डायरेक्शन में जाएगी, ऐसे ऐसे, समझ में आया आपको, ये ऐसे, ये यहाँ से हुई बाहर निकली। तो अब जो भी पर्सन होगा, जो टॉर्च वगैरह या हेडलाइट होगी गाड़ी की, वो जो लाइट रे कितनी दूर तक जाएगी, पैरेलल जाएगी ना, और जहाँ पे भी लाइट में लास्ट में जाकर जिस भी स्क्रीन पे वो लाइट का आपको जो वहाँ पे स्पॉट दिख रहा होगा,
तो ध्यान रखना वो जो स्पॉट होता है इसी की इमेज होती है, जो हेडलाइट होती है, जो सोर्स होता है ना, इसी की वहाँ पे इमेज बन रही होती है आपको, और आगे आप दूर तक उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। तो यही रीज़न होता है स्टूडेंट कॉनकेव मिरर का यूज़ करना टॉर्च में और व्हीकल हेडलाइट में। अब आती है सेकेंड अपने चांस कि सर डेंटिस्ट और शेविंग मिरर इसमें क्यों यूज़ करते हैं हम कॉनकेव मिरर। देखो इसके पीछे रीज़न क्या है, ये वाला एग्जाम्पल समझो। इसमें हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा। कोई भी ऑब्जेक्ट जब फोकस और पोल के बीच में होता है तो उस केस में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है और सीधी बनती है। और साइज देखो कैसा बन रहा है, इमेज का कैसा बन रहा है, लार्ज बन रहा है ना। तो अब क्या होता है, कोई भी जो शेविंग मिरर यूज करता है, जैसे यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन क्या कर रहा है, इसको अपनी शेव करनी बियर्ड को, तो जब ये बियर्ड को दाढ़ी को जब शेव करेगा तो ये चाहेगा ना कि इसके मिरर के अंदर इसका साइज़ थोड़ा कैसा बने, लार्ज बने। अगर लार्ज बनता ये तो इजीली देख पाएगा, अच्छे से देख पाएगा कि भाई कहाँ कहाँ कहीं बाल रह तो नहीं गया है, कोई कट लगने के चांसेस वहाँ पे कम हो जाते हैं आपके। तो उस केस में यहाँ पे यूज़ किया जाता है कॉनकेव मिरर। कौन सा, कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर साइज को लार्ज करता है और कैसा रखता है, इरेक्ट रखता है। कब, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, इसी वजह से यहाँ पे कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और इसका एप्लीकेशन देखो, ये अपन ने समझ लिया, ये भी समझ लिया और ये भी समझ लिया। अब समझते हैं डेंटिस्ट मिरर। डेंटिस्ट मिरर क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी जब अपन कोई भी अगर किसी के टीथ वगैरह में कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है, जब वो डॉक्टर के पास जाता है डेंटिस्ट के पास में, तो वो क्या करता है, डेंटिस्ट उसके पास में एक छोटा सा एक मिरर होता है, उस मिरर को क्या करता है, माउथ के अंदर डालता है उसको और माउथ में देखता है कि जो टीथ वगैरह है, जो टीथ है ना, उन टीथ को देखता है। और जो टीथ होते हैं अब वो डायरेक्ट तो ऐसे देख नहीं पाता है, तो ऐसे में क्या करता है, अंदर एक मिरर यूज़ करता है, उस मिरर को माउथ के अंदर डाल के देखता है कि जो इमेज बन रही होती है मिरर के अंदर, उससे वो आइडिया लगाता है कि कैसा क्या है, टीथ के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और उस समय जो इमेज बनती है ना मिरर के अंदर, वो स्टूडेंट्स लार्ज बनती है, बड़ी साइज बनती है। क्यों बनती है, इस वजह से, ये रीज़न ये रहा आपके पास सामने। तो साइज थोड़ी लार्ज दिखे, टीथ का साइज थोड़ा लार्ज दिखे, लार्ज दिखने से डॉक्टर को अच्छे से मालूम चल पाएगा कि क्या उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो ताकि उस प्रॉब्लम को सही कर सके। तो इसी वजह से क्या किया जाता है, डेंटिस्ट जो क्या करते हैं उस मिरर के अंदर उनका यूज़ किया जाता है कॉनकेव मिरर। आया समझ आपको। अब लास्ट है सोलर कुकर। सोलर कुकर में क्या क्यों यूज़ करते हैं अपन कॉनकेव। देखो जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी खासियत क्या होती है, अपन ने समझा था कॉनकेव मिरर क्या होता है, एक टाइप का कन्वर्जिंग मिरर होता है। अब कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है कि जब भी लाइट रे आती है किस पे, कॉनकेव मिरर पे। अभी तक कॉनकेव मिरर नहीं हुआ, अब हुआ। देखो जब भी लाइट रे आती है कॉनकेव मिरर पे, तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, उन लाइट रेज को किसी एक पॉइंट पे क्या करता है, कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करना यानी कि एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर देता है। इससे होता क्या है कि जैसे लाइट रे आ रही है, देखो दूर से कहीं से सन से लाइट रे आ रही है, अब सन के लाइट में क्या होती है, हीट होती है ना, एनर्जी होती है। तो जैसे वो हीट एनर्जी आ रही होती है लाइट के फॉर्म में, तो जैसे यहाँ पे मिरर के इसमें यहाँ पे इंसिडेंट होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। और जैसे ही एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होती है, तो उस केस में क्या होती है, वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, वहाँ पे जो हीट एनर्जी होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और फिर इस हीट एनर्जी को यूज़ किया जाता है कुकिंग के अंदर, यूज़ कर लिया जाता है और एज ए वो क्या बन जाता है, कुकर बन जाता है, ताकि हम क्या कर सके, फूड को कुक कर सके अपन, ठीक है। क्योंकि फूड को कुक करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है, हीट रिक्वायर्ड होती है ना, वो हीट एनर्जी हम यहाँ से अपन उसको प्रोड्यूस करते हैं अपन, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रख लोगे। तो यही एप्लीकेशंस है कॉनकेव मिरर के, इनके रीज़न पीछे क्या है ये है आपको मैंने समझा दिया। अब आप इनको ड्रॉ कर लो अपनी कॉपी के अंदर, नोट कर लो, ठीक है। अब इसके बाद में हम कॉनकेवेक्स मिरर हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप इसको कीजिए। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कॉनवेक्स मिरर। देखिए कॉनवेक्स मिरर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसके अंदर देखेंगे हम कि कैसे कैसे इमेज फॉर्म होती है, क्या क्या प्रॉपर्टी रहती है उसकी, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या उसके अंदर होता है। करें, बहुत मज़े से सीखेंगे हम लोग। अगर कोई आपको चीज़ नहीं समझ में आया ना, तो आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि सर ये वाली चीज़ है, ये वाला टॉपिक हमको नहीं समझ में आया, आप वापस एक्सप्लेन करो, तो मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। मिरर तो आपको बताया ना कैसे बनता है। कोई भी एक ग्लास लो आप, उस ग्लास की वन साइड को आप क्या करो,
पेंट करो वहाँ पे। पेंट करने से पहले हम वहाँ पे कोटिंग करते हैं, सिल्वर या एल्यूमिनियम की कोटिंग कर सकते हैं। अब बात करें कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर किसको कहेंगे? जब कभी भी कोई भी स्फेरिकल मिरर, अगर स्फेरिकल मिरर के अंदर जो कोटिंग हो वो इनवर्ड हो, जैसे इसमें इनवर्ड, ठीक है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो अगर वो आउटवर्ड हो, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आउटवर्ड है ना, तो इस केस में कौन सा होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा। इसको ही बना लें हम कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। देखो कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव से बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं, और इसके अंदर तो हमको पोजिशन भी सिर्फ टू पोजिशन लेनी है, जबकि अपन उसके अंदर पढ़ा था हमने कॉन्वेक्स कॉन्केव के अंदर, उसमें तो करीबन अपन को सिक्स पोजिशन हमने ली थी, यहाँ पर टू पोजिशन से अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट है, बेसिक पॉइंट जो आपको मालूम होना चाहिए। एक जो स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? पोल, जिसको डिनोट करते हैं पी से। और स्फेयर का जो सेंटर होता है उसको कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मिड पॉइंट फोकस पॉइंट। और ये जो एक्सेस होती है जो इमेजिनरी लाइन सी और पी से पास होती है उसे कहा क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सेस। सिमिलरली यहाँ पे भी हम यही लिख लें, ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एफ फोकस पॉइंट, और ये पी पोल। देखो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, और पता है ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड रखा जाएगा? लेफ्ट साइड। मिरर के हमेशा हमको लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखना है। तो यहाँ पे अब हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा स्टूडेंट वो होगा आपके इन्फाइनाइट पे। जैसे कॉनकेव में अपने फर्स्ट पोजीशन ली थी ना, वहाँ पे भी हमने जो ऑब्जेक्ट पोजीशन थी फर्स्ट वो हमने इन्फाइनाइट पे ली थी, कि इन्फाइनिटी पे अपना जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पर प्लेस है। इन्फाइनिटी यानी बहुत दूर, अपन को डिस्टेंस मालूम नहीं है प्रॉपर से, पता नहीं है कितनी डिस्टेंस पे, तो बहुत ही दूर डिस्टेंस पे। और ऐसे में जब कभी कोई भी ऑब्जेक्ट एक फार डिस्टेंस पे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो, तो वहाँ से जब लाइट रे आती है तो कैसे आती है? पैरेलल आती है। और पैरेलल किसके होगी? क्या मेरे पैरेलल होगी? क्या आपके होगी? नहीं। किसके होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस की आई पैरेलल। और हमें मालूम है जब भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो कहाँ से पास होती है? फोकस पॉइंट से। तो कैसे फोकस पॉइंट से पास हो जाएगी? क्या नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये हमारा है मिरर, और मिरर कभी भी लाइट को पास नहीं होने देता, वो क्या कर देता है? उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहाँ से लाइट रे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट होगी। और रिफ्लेक्ट भी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ये भी इस डायरेक्शन में करेगा। और तो क्या अब इमेज बन पा रही है क्या? और हमको मालूम है इमेज कब बनती है? जब भी लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वहीं पे इमेज बनती है। तो यहाँ पे तो इंटरसेक्ट कर नहीं रही, तो फिर इमेज कैसे बनेगी? तो इमेज बनाने के लिए यहाँ स्टूडेंट हम क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं, वर्चुअली मानते हैं। अपना जो ब्रेन होता है आपको इमेजिन करवाता है कि ये जो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में पास हो रही ना, तो इसको ये क्या करता है? पीछे बैकवर्ड क्या करता है? इसको मूव कराता है, अगर लाइन को अगर एक्सटेंड करता है। तो ऐसा अपीयर होता है जैसे कि लाइट कहाँ से आ रही है? फोकस पॉइंट से आ रही है। देखो आ रही है ना, ऐसा अपीयर हो रहा है जैसे कि फोकस पॉइंट से आ रही है, बट रियलिटी में नहीं है। रियलिटी में तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, बट हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि लाइट रे यहाँ से कहीं आ रही पीछे से। और जैसे इनको पीछे एक्सटेंड किया जाता है तो देखो इंटरसेक्ट कर रही है, और जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करती है वहीं पे इमेज बनती है। तो इमेज यहाँ कहाँ बनेगी? फोकस पॉइंट पे। देखो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है? फोकस पॉइंट पर कर रही है ना, तो फोकस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, यानी कि इमेज भी कहाँ बनेगी? फोकस पॉइंट पर, यानी एफ लिख सकते हो, फोकस पॉइंट भी लिख सकते हो, ये फोकस पॉइंट। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं इसका साइज ऑफ इमेज। देखना इमेज का साइज कितना, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे साइज, इसको बहुत ही स्मॉल साइज है, पॉइंट साइज का है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, तो पॉइंट साइज लिख सकते हो या वेरी स्मॉल लिख सकते हो आप लोग। ओके, पॉइंट साइज हम यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर वेरी स्मॉल लिख सकते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं नेचर ऑफ इमेज। देखो नेचर ऑफ इमेज हमको टू थिंग बतानी है, या तो ये हो कि क्या हो, वर्चुअल या रियल, एक तो ये होगी। इन दोनों में से वर्चुअल रियल में से एक चीज़ बतानी है अपन को, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक तो या तो वर्चुअल, ओके, या तो वर्चुअल होगी या रियल होगी। सेकेंड इरेक्ट और इन्वर्टेड, इन दोनों में से एक कंडीशन यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज में आएगा। तो फर्स्ट को अपन देखते हैं वर्चुअल या रियल। तो यहाँ पर इमेज वर्चुअल बनेगी या रियल बनेगी?
रियल कब बनती है? जब आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे एक दूसरे को रियल में इंटरसेक्ट करे। तो क्या है, देखो यहाँ पे क्या रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, कैसे कर रही है? ये तो इस साइड इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन जा रही है, तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। ऐसे में अपन ने क्या किया, वर्चुअली यहाँ पे इमेजिन किया कि लाइट रे पीछे जाके कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। तो इमेज कैसे होगी? वर्चुअल होगी, वर्चुअल। ओके, अब इसके बाद में देखते हैं इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी। देखो यहाँ पे हमको नहीं मालूम चल पा रहा कि इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड। इरेक्ट मतलब कि सीधी स्ट्रेट बनना, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनना। तो यहाँ पे तो आपको मालूम नहीं चल पा रहा, बट यहाँ पे अंडरस्टूड है। जब इसको हाईली इसको देखा जाता है तो पता चलता है कि ये जो साइज होती है ना, इस जो इमेज बनती है ये थोड़ी इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। अभी बिल्कुल पॉइंट साइज का इसलिए आपको मालूम नहीं चल पा रहा, बट एक्चुअल में ये क्या होती है, इरेक्ट होती है, सीधी होती है। और ऐसे भी आपको ध्यान रखना है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा और रियल के साथ में हमेशा क्या आएगा, इन्वर्टेड। तो वर्चुअल और वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट यानी कि सीधी बनेगी, सीधी। ये तो हो गई हमने फर्स्ट पोजीशन। ओके, अब इसके बाद में हम सेकंड पोजीशन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सेकंड पोजीशन में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा? देखो कॉनकेव के अंदर तो अपन कहाँ कहाँ रख रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहे थे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन थी ना। बट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो आपके कोई पॉइंट है ही नहीं, सारा तो अंदर चला गया साइड, वही साइड तो अपना ऑब्जेक्ट रखना ही नहीं। तो कितना सिंपल काम हो गया, कहीं पे भी रख लो आप, यानी कि जो आपका मिरर है इस मिरर के फ्रंट में कहीं पे भी रख लो आप लोग, यानी इन्फिनाइट और पोल के बीच में कहीं पे भी रख लो आप ऑब्जेक्ट, तो वही आपकी सेकेंड पोजिशन होगी ऑब्जेक्ट की। तो कहाँ पर रखें, इन फ्रंट ऑफ मिरर लिख लें कि मिरर के सामने, फ्रंट ऑफ मिरर, फ्रंट ऑफ मिरर भी लिख सकते हो आप लोग, ये भी लिख सकते हो बिटवीन इन्फिनाइट, इन्फिनाइट एंड पोल, पोल इन्फिनाइट के बीच में जो ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो कैसे बनेगी, तो करें डिस्कस अपन। चले यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेते हैं अपन, देखेंगे कैसा बनता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया, ले लिया, सीधी नहीं बनी, चलो बना देते हैं, है क्या, कोई बात नहीं, चलता है इतना। अब ये अपने ऑब्जेक्ट ले लिया, अब यहाँ से ऑब्जेक्ट तो ले लिया हमने, अब यहाँ से लाइट रे अपन को लेनी है। अब लाइट रे भी इमेज बनाने के लिए अपन ऐसे तो फोर टाइप की लाइट होती है, या तो अपन पैरेलल ले, या फोकस पॉइंट से ले, या फिर अपन पोल पे इंसिडेंट करवाएं, या फिर अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले, फोर टाइप अपन ने पढ़ा था ना। तो आप इसमें से कोई से भी टू टाइप की लाइट रे ले लो। तो मैं एक तो लेता हूँ कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, पैरेलल ले अपन, ये पैरेलल, और कोई भी जब लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है, फोकस पॉइंट से। तो यहाँ पर हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे कहाँ से पास होगी, फोकस पॉइंट से, लेकिन फोकस पॉइंट से जाती तो है नहीं है, क्या होती है, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है, यहीं से, यहाँ से रिफ्लेक्ट। बट हम जब इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो कहाँ से भी मिलती है, फोकस पॉइंट पे जाकर ये मिलती है। अब इसके अलावा एक लाइट रे से तो इमेज बनेगी नहीं, एक को लाइट रे लेनी अपन को। तो एक लाइट रे कैसे लेना चाहोगे, चाहे तो आप पोल पर ले लो, चाहे फोकस पॉइंट पर ले लो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल पर ले लेते, चलो पोल पर ईजी रहेगा, और पोल पर जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिस एंगल के साथ में इंसिडेंट होती है उसी एंगल के साथ में रिफ्लेक्ट होती है। अब आप देखोगे इसके अंदर इमेज परफॉर्म करनी है अपन को, इमेज कब बनती है, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट करें। अब एक तो लाइट रे जा रही है इस साइड और एक लाइट रे जा रही है इस साइड, तो क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, क्या नहीं कर सकती है ना। तो नहीं करेगी तो फिर अपन इसको इमेज कैसे बनाएंगे, बनेगी नहीं फिर तो, बनेगी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, वापस अपन इमेजिन करते हैं, वर्चुअली यहाँ पर इमेजिन किया जाता है। कैसे, एक लाइट रे तो ये रही, ये पीछे आपने इमेजिन किया कि पीछे बैकवर्ड, यहाँ पर अपने इसको डॉट डॉट किया, और एक हम लेते हैं यहाँ पर, देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर से आ रही ना। अब इसको क्या करते हैं अपन, वर्चुअली इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं, और जैसे आप एक्सटेंड करते हो तो ये देखो इसको इंटरसेक्ट कर रही है ना, रियलिटी में तो नहीं कर रही है, रियलिटी में कर भी नहीं रही, बन भी नहीं रही, बट यहाँ पर अपन इमेजिन करते हैं। और जैसे इमेजिन करते हैं तो यहाँ पर देखो आपका ऑब्जेक्ट, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वहीं पर इमेज बनती है, तो ये इमेज, तो ये आपका रहा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, सॉरी इमेज, ये इमेज बन गई आपकी। तो अब हमने पास में इमेज बन गई, अब इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। देखो आप खुद लिख सकते हो, करें फ्रंट ऑफ, अब यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन लिख दी, अब देखते हैं इमेज की पोजीशन कहाँ पे, इमेज कहाँ पर बन रही है, पी और एफ के बीच में है ना। देखो इमेज की पोजीशन कहाँ, पी और एफ, बट कहाँ पर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही, ध्यान रखना मिरर के आगे नहीं बन रही, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, या फिर इन मिरर, मिरर के अंदर बन रही है। तो आप लिख सकते हो बिटवीन पी एंड एफ, है ना, बिटवीन
बिटवीन पी मतलब पोल एंड एफ यानी फोकस पॉइंट। ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हो बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। ओके, साइज बताओ आप लोग, साइज कैसा बन रहा? देखो क्या ये तो ऑब्जेक्ट साइज है और ये इमेज साइज, तो बताओ इमेज कैसी बन रही? स्मॉल साइज है ना, तो यहां पर आप लिख सकते हो स्मॉल साइज। अब इसके बाद में देखो यहां पर आपको वापस ये बताना वर्चुअल है या रियल है, बताओ खुद सोचो, क्या रियलिटी में इसने कट किया था क्या? नहीं कट किया ना, अपने यहां वर्चुअली माना है यहां पे, तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल, वर्चुअल। और इरेक्ट है यहाँ पे, देखो सीधी बन रही है उल्टी बन रही है? सीधी बन रही ना, सीधी बनने का अपन क्या बोलते हैं? इरेक्ट, इरेक्ट, ये हो गया। तो ये है स्टूडेंट, वेरी सिंपल है, आपकी बुक के अंदर इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेट बनाया गया। और जो इसकी बुकें हैं RBSE की, स्टेट बोर्ड है अपनी राजस्थान स्टेट बोर्ड, इनकी बुकों के अंदर तो ये वाला डायग्राम दे ही नहीं रखा है, बट अपन को ये अभी सिर्फ इन्होंने ये बता दिया, लेकिन ये वाला डायग्राम नहीं दे रखा, तो ये आपको बनाना है। इसमें भी इन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दिया, यहाँ पे थ्री थ्री लाइट रे ले लिए, बट अपने टू लाइट रे से यहाँ पर वर्क हो जाएगा, कितना सिंपल बन रहा है। तो आप इस डायग्राम को बनाना, मैं भी आपको इसी को प्रीफर करूँगा कि आप इसको बनाएं, ठीक है? तो ये अपना कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है? तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो आप लोग, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिखा था, तो आप इसको नोट कीजिए, एज इट इज़ नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज की जो वीडियो है इसमें अपन यहीं तक करेंगे, और इसके जो नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, इस कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या एप्लीकेशंस है, यूजेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है इसको, ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको समझ में भी आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या फिर आप इंडिविजुअल मुझे मैसेज भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को वापस रिवाइज करना, वापस बार बार पढ़ना और इसको समझने की कोशिश करना, अगर नहीं समझ आया तो एक बार वापस रिवाइज करके देखना, बाकी आपको इनको कॉन्सेप्ट से जाना, आपको सारे डाउट क्लियर करके पढ़ना आपको, बाकी आप लोग और भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करो, और आपके जो भी फ्रेंड है उनके साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो, ताकि हम और अच्छे से वीडियो आगे बना सके अपन, और उनको भी आपके फ्रेंड को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। तो ठीक है, तो ओके, बाय एंड टेक केयर।